हाय शो के पॉप फैंस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं द मोस्ट वांटेड वीडियो हुआंग ज़ेटाओ की बायोग्राफी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं हुआंग ज़ेटाओ की एक लिटिल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही इज़ ए चाइनीज सिंगर, एक्टर, रैपर, मॉडल, सॉन्ग राइटर एंड बिजनेसमैन। हिज स्टेट नेम इज टीएओ टाओ। हुआंग ज़ेटाओ का बॉर्न होता है इन 1993 सेकंड में इन चिंगदाओ सिटी ऑफ चाइना। हिज फादर नेम इज हुआंग जोंगदोंग जो 6 साल गुजर गए वेरी सैडली एंड हिज मदर नेम इज अननोन। Hwang Zitao की nationality is Chinese and his blood type is AB and he is very proud of his blood type AB style cause if you watch his old interviews, he used to promote himself as a AB blood type and all. Hwang Zitao done his schooling in Qingdao Foreign Service Vocational School. Hwang Zitao की favorite foods में से कुछ है spicy hot pot, mutton soup और वो हमेशा कहता है कि he can eat these things every day. Hwang Zitao की एक प्यारी सी cute pet है जिसके नाम है Candy, a dog and अगर आप उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होते हो आप कैंडी की बहुत सारी क्यूट सी पिक्स वहाँ देख सकते हैं। सो हुआंग ज़ेटाओ की फेवरेट कलर है ब्लू एंड हुआंग ज़ेटाओ 5/2 को अपना लकी नंबर मानता है। ही लाइक फैशन स्टाइल्स लाइक सिंपल, कैजुअल, कंफर्टेबल एंड एनीथिंग फ्रॉम गुची। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर इंसान का गुड हैबिट्स के साथ साथ बैड हैबिट्स तो जरूर होता है, तो हुआंग ज़ेटाओ का भी एक बैड हैबिट्स है और वो है स्मोकिंग। या नो मैटर इट्स स्टूडियो और ऑन होम, तो वो इस बात को फैंस से छुपाता भी नहीं है बिकॉज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और वो खुल के फैंस के सामने आता है एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट। तो अब बात कर लेते हैं टाओ के हॉबीज के बारे में। ही लाइक्स टू सिंगिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लाइव चैट विद हिज फैंस एंड टू कलेक्ट लग्जरियस रेयर मटेरियल्स। एंड उसने अपने लाइव वीडियो में ये भी कहा था कि वेरी सून ही विल प्रमोट दिस थिंग्स जो वो यूज करता है, मतलब वो चीज़ें क्या है एंड ऑल, उनके बारे में एक डिटेल्स में एक अलग से अकाउंट में बात करेगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों से, टाओ हैज़ एनी गर्लफ्रेंड और नॉट। तो मैं ये बता दूँ टाओ की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कुछ लोग इस यंग्स के साथ उसे ऐड करने की कोशिश करते हैं, किसी भी लड़के के साथ उसको ऐड कर देते हैं, तो प्लीज़ यार मत किया करो बिकॉज टाओ हैज़ नो गर्लफ्रेंड। बट उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी एंड व्हेन ही वाज यूज्ड टू लिव इन एलए, बट कुछ चलते उन कपल्स को ब्रेकअप करना पड़ा। बट टाओ की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बात करूँगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। टाओ ईयर एक्टिव हुआ था 2012 में एंड अभी भी प्रेजेंट है। टाओ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने एसएम एंटरटेनमेंट कैसे ज्वाइन किया था। तो एक दिन उसने जब एसएम एंटरटेनमेंट की ग्लोबल ऑडिशन हो रही थी तो उसके पेरेंट्स जा रहे थे ऑडिशन देने, बट टाओ का कुछ मूड नहीं था बिकॉज बहुत ही रेनी डे था। बट उसके पेरेंट्स ने कहा कि कंपनी दे दो, तो टाओ ने उसको कंपनी देने के लिए चला गया और वहाँ उसने ऑडिशन भी दिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। सो टाओ एसएम एंटरटेनमेंट, टीएच एंटरटेनमेंट, जेटाओ स्टूडियो एंड एल्टाओ एंटरटेनमेंट में काम कर चुका है और प्रेजेंटली सीईओ है एल्टाओ एंटरटेनमेंट की, जो उसके फादर ने एस्टैब्लिश की थी 2018 जुलाई 17 को। तो टाओ अक्सर बाहर फिल्मिंग में बिजी रहता है तो उसके फादर ही इस काम संभालते थे कंपनी का, बट अब उसके फादर नहीं रहे तो टाओ बहुत ही बिजी हो गए हैं अपने लाइफ शेड्यूल में। और एक सवाल जो मुझे हमेशा से ही पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में, ड्रामा और मूवीज ने सजेस्ट कर दो टाओ की, तो उसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई नो मैंने बहुत ही गड़बड़ की है, सो फॉरगिव मी एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।